हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू की दुनिया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैं हूँ अपने किचन में और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज मैंने बनाए हैं नमकीन ओट्स। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप डिटेल रेसिपी आप चेक कर सकते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ अपने बालकनी में और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फॉग हो रहा है। इस बार तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, क्योंकि कभी सर्दियां आ जाती हैं, कभी अचानक से गर्मियां आ जाती हैं और अभी तो काफ़ी गर्मी होने लगी थी बीच में, बट आज मैंने उठ के देखा तो इतना ज़्यादा फॉग था और ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल दिसंबर और जनवरी का मंथ है ये। और इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, क्योंकि हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इस वेदर में सबसे ज़्यादा हमें अपना ध्यान रखना होता है। तो यही रीज़न है कि अभी तक मैंने अपने स्वेटर भी नहीं रखे हैं। जितने भी मेरे वूलेंस के जो भी आइटम हैं कपड़े, वो सारे मैंने भी बाहर ही निकाल के रखे हैं, क्योंकि मौसम का कुछ भी पता नहीं है। सुबह शाम तो ठंड हो रही है और आज तो सुबह बहुत ही ज़्यादा थी। तो बस बालकनी में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद आज मैंने अपने प्लांट्स को पानी नहीं दिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने बनाई है आज लंच के लिए आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी। साथ में मैंने आटा वगैरह भी मैंने गूँथ के रख दिया है और आज मैं अपने किचन के काम में बहुत ही फटाफट मैं निपटा रही हूँ। सुबह मैं उठी थी 6 बजे और क्योंकि मुझे घर के अपने और भी काम करने हैं, मुझे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है अपने घर की, तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो भी लंच में बनना है वो मैं फटाफट बना के मैं रख लूँ, ताकि आराम से फिर मैं क्लीनिंग कर सकूँ। तो बस सब्ज़ी मैंने बना ली है, आटा भी मैंने गूँथ के रख लिया है और अब बस मैं क्लीन करूँगी अपना किचन। और उसके साथ ही आज मुझे एक हेयर मास्क भी बनाना था, तो वो भी मैंने बनाया है। और ये एलोवेरा का मैंने हेयर मास्क बनाया है, क्योंकि मुझे अपने एलोवेरा की मुझे रिपोर्टिंग भी करनी है, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ मैं यूज़ कर लूँ, जो भी उसकी लीफ है, तो इसलिए आज मैंने 6 से 7 लीफ मैंने उसकी तोड़ी थी, क्योंकि उसके अंदर जो पल्प था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, हल्का ही पल्प था। तो बस उसको मैंने, पल्प को मैंने पीस लिया था और साथ में मैंने इसमें मिलाया है कैस्टर ऑयल विटामिन ई का कैप्सूल, और इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है कोकोनट ऑयल। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं लगा रही हूँ अपने बालों में। और एलोवेरा हमारे बालों की हेल्थ, ग्रोथ, शाइनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बस ये मैंने फटाफट लगा लिया है, क्योंकि अभी जो मेरा काम है वो 1 से 1.5 घंटे का रहता है और तब तक ये मेरे बालों में अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं लूँगी शावर और फिर 10 बजे से अपना, जैसे हम स्टार्ट करते हैं हमेशा ऑफिस का काम, तो बस फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपने ऑफिस का काम। तो आज जो मैंने काम निकाल के रखा था वो है ये ग्लास क्लीनिंग। तो मेरे दोनों रूम के जो ग्लास हैं वो हल्के हल्के से मुझे गंदे दिख रहे थे, क्योंकि अभी 1 महीने पहले तो मैंने इनकी सफाई करी थी, लेकिन क्या है कि जैसे अभी फॉग, अभी विंटर्स अभी गए हैं, फॉग गिरता है और फिर दिन में हवा चलती है, धूल मिट्टी, तो उससे जो मॉइस्चर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी चिपक जाती है, जिस वजह से हल्के हल्के से मुझे गंदे दिख रहे थे। तो उस दिन मैं ये वाइपर भी लेके आई थी जब मैं शॉपिंग के लिए गई थी, तो ये छोटा सा मैं वाइपर लेके आई हूँ जो कि स्पेशली ग्लास को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। तो इसी से ही मैं अपना ग्लास में क्लीन कर रही हूँ और देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आते हैं। तो अगर ये अच्छे से नहीं क्लीन हुआ, क्योंकि हल्का सा थोड़ा थोड़ा कॉर्नर पर रह जाएगा, तो मैं इसमें हल्का सा मैं कपड़ा भी मैं इसमें मार दूँगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाए। तो ग्लास को क्लीन करने के लिए मैंने लिया है पानी और साथ में मैंने उसमें डाला है थोड़ा सा विम जेल, जो हम अपने डिश वॉश के लिए यूज़ करते हैं। हल्का सा मैंने 2 से 3 ड्रॉप ही मैंने डाली हैं और फोम की हेल्प से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ और वाइपर से मैंने पूरा इसको वाइप कर दिया है। तो अभी दोनों रूम के ग्लासेस मुझे साफ़ करने हैं और ये होली की मेरी क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं है, होली की जो सफाई होगी वो मैं अलग से करूँगी। अभी मुझे ये हल्के से गंदे दिख रहे थे तो मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं टाइम निकाल के थोड़ा सा जल्दी उठ कर मैं इनकी सफाई कर दूँ। क्योंकि अगर घर में ग्लास हैं, चाहे डोर हो, विंडो हो या फिर वॉशरूम के ग्लासेस हों, हमेशा क्लीन ही अच्छे लगते हैं। अगर उन पे थोड़े से भी दाग धब्बे होते हैं तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और यही रीज़न है कि मैं मेरे घर पे जो भी, जहाँ भी ग्लासेस हैं, मैं उनकी रेगुलर सफाई मैं करती रहती हूँ। इससे पहले जब मैंने इन ग्लासेस को मैंने क्लीन किया था तो मैंने कॉलिन की हेल्प से मैंने किया था, बट आज मैं इनको प्रॉपर, मैं इनको अच्छे से, मैं इनको हल्का सा सेमी वॉश करके मैं इनको वाइपर इस पर मार रही हूँ ताकि ये अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाएं।
तो लिविंग रूम का तो मैंने क्लीन कर दिया है और अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, तो अभी मैं बेडरूम का भी क्लीन कर रही हूँ। और आज इनको क्लीन करने का एक और रीज़न था क्योंकि आज सुबह से, क्योंकि फॉग था, धूप अभी तक नहीं निकली हुई है और अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो यही रीज़न था कि मैंने सोचा कि आज मैं इनको क्लीन कर दूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत तेज़ धूप आ जाती है तो उस टाइम पर तो धूप में बिल्कुल भी खड़ा हुआ नहीं जाता है, और आज मौसम अच्छा था तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनकी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो अभी मैंने इन सबको बाहर से तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और अब मैं इनको क्लीन करूँगी अंदर से, क्योंकि अंदर से भी ये थोड़े बहुत गंदे हैं। जैसे झाड़ू वगैरह हम लगाते हैं या फिर कभी हमारे हाथ वगैरह लग जाते हैं ग्लासेस में, तो उससे भी ये गंदे हो जाते हैं। तो बस अभी मैं इनको अंदर से भी करूँगी क्लीन, और ये बहुत ही जल्दी क्लीन हो गए वाइपर की हेल्प से। मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा मुझे एफ़र्ट्स नहीं मारने पड़े और ये फटाफट क्लीन हो गए, क्योंकि घर हमारा जब साफ़ सुथरा रहता है तभी देखने में अच्छा लगता है और एक पॉजिटिव गुड वाइब्स भी आती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को हमेशा मैं साफ़ सुथरा रखूँ, जो भी चीज़ें जहाँ पर हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक होनी चाहिए, और हमें किसी फेस्टिवल का या किन्हीं चीज़ों का हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए साफ़ सफाई के लिए। जब भी आपको लगे कि हल्का सा गंदा हो रहा है ऐसा कुछ, तो तुरंत हमें उसे साफ कर देना चाहिए। तो बस अभी मैं इसमें कपड़ा भी मार दूंगी और थोड़ी देर के लिए डोर जो है इनको मैं ओपन कर दूंगी ताकि ये अच्छे से सूख जाएं, क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर है, फ़ैन मैंने नहीं चलाया है। क्लीन करने के बाद मैं डोर ओपन कर दूंगी ताकि हवा का जो वेंटिलेशन है वो रूम्स के अंदर होता रहे और ये ऑटोमेटिक हवा से ये सूख जाएँ। तो बस डोर वगैरह क्लीन करने के बाद में विंडो वगैरह मैं आ गई हूँ दोबारा से अपने किचन में, और ये मेरे बर्तन हैं जो कि मैं क्लीन कर रही हूँ। अब बस क्लीन करूँगी मैं अपने बर्तन और उसके बाद में मैं लगाऊँगी पोछा। और अभी पूरा टाइम हो रहा है 9:30, तो मैंने अपने बालों में ये जो एलोवेरा वाला लगाया था उस टाइम पे टाइम हो रहा था 8, तो ये आराम से 1 से 1.5 घंटे हो चुके हैं मेरे बालों में। तो अब मैं इनको वॉश कर लूँगी, और क्योंकि मैंने ग्लास की क्लीनिंग करी थी तो उससे जो फ्लोर था वो भी काफ़ी गंदा हो गया था, बालकनी का भी और रूम के अंदर का भी, तो इसलिए आज मैं पोछा लगा रही हूँ फटाफट ताकि जो भी साफ़ सफाई है वो अच्छे से हो जाए। और आज तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, और क्योंकि इस बार धूप बहुत ही ज़्यादा निकल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस बार फरवरी में ही गर्मियाँ पड़नी स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता था कि जब भी होली जलती थी होली के बाद से फिर गर्मियाँ पड़नी स्टार्ट होती थी, बट इस बार धूप को ऐसा देखकर लग रहा था कि जैसे इस बार फरवरी में ही गर्मियाँ पड़नी स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि फ़ैन वगैरह हमने चलाने स्टार्ट कर दिए थे। बट क्या है कि बीच बीच में जो मौसम है वो बिल्कुल चेंज होता रहता है, और आज का तो वेदर बहुत ही अच्छा है। तो बस पोछा वगैरह लगाने के बाद में सारे काम मेरे हो गए हैं ख़त्म, और मैंने स्टार्ट कर दिया था दिन में अपने ऑफिस का काम। तो अभी देखिए सारी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है और अभी टाइम हुआ है लंच का, तो मैंने अपना लंच भी कर लिया है, और ये देखिए नीट एंड क्लीन ग्लास देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, और बाहर का व्यू भी कितना अच्छा आ रहा है, क्योंकि बाहर बिल्कुल खुला खुला है तो ये ग्लास जब बिल्कुल क्लीन हो गए हैं तो बाहर देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा व्लॉग ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप भी अपना ध्यान रखें। Stay safe, stay healthy, take care, bye bye friends.